इधर है। हम लोग सब जो है बुजुर्ग दीन के खादी में बरकत अली शाह की आज खिदमत थी, बड़ी खिदमत। तो ये खिदमत में अल्लाह का एहसान है कि हम लोग को हाजिरी मिल गई और यहाँ सबके लिए दुआ किए, खास करके जो हमारी कंट्री एक अखंडा से और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर दुआ हुई है कि सब चीज़ की जो स्टेबिलिटी है स्ट्रॉन्ग रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और सब एक यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे चले। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शेख मिस्री शाह की दरगाह पे, वहाँ भी सलामी देंगे, वहाँ भी उर्स आज का पहला दिन है।
तो यहाँ से पूरे लोग वहाँ जाके सलामी देंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से जाकर के, क्या है हाजी अली और माहिम से जो पैगाम निकलता है तो हर जगह फॉलो होता है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाजी अली और माहिम का और दूसरी हर बुजुर्ग दिन का यही रहता है पैगाम के पीस हारमोनी और एक यूनिटी, सब मिल के एक साथ में रहना चाहिए और एक साथ में रहने में ही बरकत भी है और लोगों को हम और जोड़ के कर सकते हैं और अपने खुद के हिंदुस्तान को एक अखंड हिंदुस्तान बना सकते हैं। सोहेल भाई, जैसे कि आप वडाला में मौजूद हो, यहाँ पे बरकत अली शाह बाबा की मजा आई, यहाँ पे जो उर्स है अंटाफिल में शेख विशेष बाबा का उर्स चल रहा है, एक जश्न का माहौल है यहाँ पे वडाला में, तो आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हर उर्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन जाता है माहिम से हाजी अली से, क्योंकि माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह वो ऐसा दर है कि उससे 70-80% महाराष्ट्र के नहीं बल्कि इंडिया के लोग हमारे से कनेक्टेड है दरगाह कब्रस्तान मस्जिद के, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हर जगह जाता है और हर बुजुर्ग दीन से एक ही मैसेज आती है कि सब मिलके रहो और पीसफुली रहो।